अब हम लोग यहाँ पे साइट पे पहुँच चुकी है और टाटा वर्सेस सनी का कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मशीन की टक्कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सनी एक्सवेटर और टाटा 210। टाटा एक्सवेटर 210, दोनों 210 है। सनी भी 210 है और टाटा भी 210 मॉडल है। तो दोनों का आज कंपटीशन होने वाला है कि कौन एक्सवेटर, कौन पॉपलिन मशीन सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं वीडियो शूट के लिए। तो अभी हम लोग हाईवे में चल रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं और आज आप लोगों को लाइव दिखाने वाले हैं हम लोग कि कौन सा एक्सवेटर ज़्यादा फास्ट होता है, कौन एक्सवेटर ज़्यादा फास्ट होता है। ये लाइव आप लोगों को दिखाएंगे आज हम, और आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा एक्सवेटर ज़्यादा पसंद है, सनी या टाटा। वैसे तो हमें टाटा ज़्यादा पसंद है, लेकिन चलाने में कंफर्टेबल फील ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल फील सनी ही देता है। तो हम लोग जा रहे हैं उसी का कंपटीशन को लाइव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो देख के आप लास्ट में, आप पहले वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें और एंड में आप हमें ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सी मशीन ज़्यादा फास्ट लगा। मैं कोई टाटा लवर या सनी लवर नहीं हूँ, सनी एक्सवेटर लवर नहीं हूँ। बस मेरे अंदर का जो फील है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप अगर सनी लवर है या टाटा एक्सवेटर लवर है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं शूट पे, अपने जगह पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर कोबेल्को एक्सवेटर चल रही है, जस्ट इसके बगल में, इसके पीछे ही है, ही होने वाले हैं टाटा और सनी एक्सवेटर का कंपटीशन। तो अभी यहाँ पे कोबेल्को एक्सवेटर दिखा तो बोले कि कुछ सीन चलो इसका भी ले लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि स्टार्ट होने के लिए रेडी है सनी वर्सेस टाटा। तो यहाँ पे और स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि उस तरफ से मिट्टी उठा के इस तरफ फेंकना है। तो और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन सनी वालों ने करवाया है। तो जाहिर सी बात है मशीन सनी ही जीतने वाली है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गैस, वैसे आप सनी मशीन और टाटा मशीन आप चलाए होंगे तो आपको इतना ज़रूर नॉलेज होगा कि कौन सी मशीन ज़्यादा फास्ट है और कौन सी मशीन ज़्यादा कंफर्टेबल मशीन है, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन सनी में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर दिया गया है। और टाटा में क्या है कि टाटा जो आ रहा है वही है, सेम है। टाटा में कुछ अलग फ्यूचर दिया गया नहीं है, बस वही फ्यूचर है। बट सनी में स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा फ्यूचर के साथ आता है। और जहाँ तक कि मशीन चलने की बात आती है तो हार्ड वर्किंग और सॉफ्ट वर्किंग के लिए आप लोग को पता ही होगा कि कौन सी मशीन बेस्ट है। और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करें कि कौन सी मशीन ज़्यादा फास्ट है, मैं रिप्लाई ज़रूर आप लोगों को दूंगा। और ये मशीन अभी जो चल रही है तो इसमें आपको ज़रूर अपनी राय देना है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी मशीन यहाँ पे जीतती है, तो वो ज़रूर देखें। और हमको तो लग रहा है कि सनी ही जीतेगी क्योंकि ये कंपटीशन सनी वालों ने करवा रहा है। अगर टाटा वालों ने करवाता तो टाटा जीत जाते यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और
वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को किस तरीके से वीडियो देखना है ना है, आप लोगों को किस टेक्निकल पर वीडियो चाहिए, वो आप अपनी राय ज़रूर देना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी पे टेक्निक पे वीडियो लेके आता रहें। और आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहें। तो अभी ये वीडियो पूरी देख के आप ज़रूर कमेंट करें कि कौन सी मशीन जीतती है, कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है। तो हमें तो सनी ही लग रहा है सबसे फास्ट में, सबसे आगे में, और ये कंपटीशन भी सनी वालों ने ही करवा रहा है। तो चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे चाहे कोई भी मशीन जीतती है, मैटर वो नहीं करता है, पर अगर आप एक मालिक को पूछोगे कि मशीन कौन सा बेस्ट होना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, तो वो टाटा को ही लेके कहेगा। और अगर एक ऑपरेटर को पूछोगे तो ऑपरेटर दोनों मशीन के सीट में बैठने के बाद ऑपरेटर कभी नहीं कहेंगे कि टाटा बेटर है, वो कहेगा सनी ही बेटर है। क्यों ये कहता है? क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल फील देता है सनी, क्योंकि उसमें अगर कोई भी बैठता है तो सीट में प्रॉपर तरीके से बैठने के बाद आराम से 8 घंटे 10 घंटे एक ऑपरेटर मशीन को चला सकता है, खींच सकता है 8 से 10 घंटे। और वहीं पे अगर टाटा में बैठ जाए तो कितना भी मशीन न्यू क्यों ना हो, पर वो 10 घंटा 8 घंटा एक लगातार नहीं चला सकता है। 2 से 3 घंटा 4 घंटा मशीन चलाने के बाद पूरा बदन से थकान निकाल देता है, पूरा थकावट फील दे देता है। और वहीं पे ये जो सनी मशीन है वो मतलब कंफर्टेबल फील देता है। अगर गर्मी का मौसम हो तो लगता है कि मशीन के ही अंदर रहें, तो ये इसका अंदर है। तो अगर टाटा वाले से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि केबिन में सुधार